साथ बोलिए भारत माता की। अरे भाई पीर पंजाल से दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, खुशहाल कश्मीर के संकल्प की मूर्ति पीछे, और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्रीमान मनोज सिन्हा जी, हमारे जम्मू के नेता और पीएमओ में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मेरे मित्र और जम्मू के सांसद श्री जुगल किशोर शर्मा जी, और आप सबके प्रतिनिधि जिनको मोदी जी ने अभी अभी राज्यसभा का सांसद नियुक्त किया है। इंजीनियर साहब आगे आओ, अगर आगे आओ सब लोग ताली बजाओ। इंजीनियर गुलाम अली खटाना जी, और आज के कार्यक्रम में आए हुए मेरे गुर्जर बकरवाल और प्यारे पहाड़ी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज की ये रैली आपके मोदी मोदी के नारे उन लोगों को जवाब है जो कहते थे धारा 370 जाएगी तो पीर पंजाब पर आग लग जाएगी। आज की ये रैली उन लोगों को जवाब है जो कहते थे धारा 370 जाएगी तो खून की नदियां बह जाएगी। मित्रों, आज सबसे पहले मैं मेरे सभी पहाड़ी भाइयों बहनों को प्रणाम करकर धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि ये जनता लेट कार्यक्रम हो रहा है, फिर भी ये धूप में, कड़ी धूप में हैंगर के पार, मकानों पर, दीवारों पर, जहां पर भी नजर पड़ती है लोग ही लोग नजर आते हैं। मोदी जी के प्रति आपका जो ये प्यार है, मोदी जी के प्रति आपका ये जो विश्वास है, मैं मन से दिल से कहता हूं हम लोगों का कश्मीर और जम्मू के लिए, और विशेषकर पूंछ और रजौरी के लिए ज्यादा काम करने का उत्साह बढ़ाता है। मित्रों, उत्साह आज मैं जम्मू क्षेत्र में हूं, जम्मू में भी पूंछ और रजौरी के क्षेत्र में आया हूं। ये महाभारत कालीन पहाड़ियां ये भारत की सीमाओं का मजबूत द्वार है, मजबूत द्वार है। आज मैं मेरे पहाड़ी भाइयों बहनों माताओं को गुर्जर बकरवाल समुदाय को दो हाथ जोड़कर प्रणाम इसलिए करता हूं कि जब जब भारत पर खतरा आया ये मेरे पहाड़ी भाई गुर्जर बकरवाल चट्टान की तरह दीवाल बनकर खड़े रहे। आने वाले को मुंह तोड़ जवाब दिया, पूरे देश भर में शहीद सेना के जवानों को सिविलियन मतलब हम सब लोग सलामी करते हैं, मगर पूरे देश में एकमात्र क्षेत्र है पूंछ और रजौरी का जहां सिविलियन जो शहीद हुए हैं उसको भारत की सेना सलाम करती है। मित्रों, भारत की सेना सलाम। आपने
बालक की सुरक्षा का एक अभेद दीवार यहां पर बनाया हुआ है और इसके कारण देश भर के भारतीय आपके भरोसे चैन की नींद सो पाते। माताओं भाइयों बहनों, आज में नवरात्र है, अंतिम दिन है, माता वैष्णो का दर्शन कर खुशहाल कश्मीर का आशीर्वाद मांग कर यहां आया हूं मित्रों, खुशहाल कश्मीर। मैं मनोज जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, 1947 से देश आजाद हो गया मगर महाराजा के जन्मदिन पर छुट्टी नहीं मनाई जाती थी। बताओ मुझे मनाई जाती थी भाई? मनाई जाती थी? मनोज जी ने महाराजा जी के जन्मदिन को छुट्टी घोषित कर उनका जो योगदान है उसको श्रद्धांजलि देने का काम किया। मित्रों, मैं आज जब यहां आया हूं तब वीर बंदा बहादुर को भी याद करना चाहता हूं, ये उन्हीं की जन्मभूमि है और आज मैं आपको बताने आया हूं मित्रों कि एक गुर्जर, बकरवाल और विशेषकर मेरे पहाड़ी भाइयों की चिंता मोदी जी देश भर में सर्वप्रथम इस क्षेत्र की चिंता करते हैं। मैं आगे इसकी बात बताऊंगा। मित्रों, मैं जब यहां आया हूं तब 70 साल जिन लोगों ने कश्मीर में राज किया, ये तीन परिवारों ने राज किया, लोकतंत्र तो आजाद हुआ तब से आया था मगर लोकतंत्र का मतलब उन्होंने अपने परिवारों में बना दिया था। मुझे बताओ मेरे पहाड़ी भाइयों बहनों, मेरे गुर्जर बकरवाल भाइयों बहनों, आपको कभी भी ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत, जिला पंचायत का अधिकार मिला था क्या? अरे जोर से बोलो, मिला था क्या? उन्होंने लोकतंत्र का, जमहूरियत का मतलब निकाल दिया, हमारे ही कच्चे पक्के जो है उनको सुख से रहना, पीढ़ियों तक शासन करना। देश में सरकार बदली, 2014 से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। मोदी जी ने सबसे पहले पंचायत के चुनाव कराए और 19 के बाद तहसील पंचायत, जिला पंचायत के चुनाव कराए। मित्रों, आज जो पहले तीन परिवार के पास था इसकी जगह आज 30,000 लोगों के पास जम्मू कश्मीर का शासन आया है। मित्रों, 30,000 लोगों के पास। मित्रों, मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को एक महत्वपूर्ण फैसला दिया और धारा 370 और 35 से उखाड़ कर फेंक। सब लोग विरोध करते थे। मुझे एक बात बताओ, ये धारा 370 35 से न जाती तो ट्राइबल रिजर्वेशन मिलता क्या? अरे यार जोर से बोलो, मिलता क्या? ये आयोग जो बनाया हमारे एमडी साहब ने, वो आयोग बनता क्या? धारा 370 को हटाने से यहां पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को और पहाड़ियों को अपना अधिकार मिलने वाला है। यहां पर सफाई कर्मचारी, उनका कोई अधिकार नहीं था, सफाई कर्मचारियों को भी उनका अधिकार मिला। एसटी के मेरे भाई बहन यहां बैठे हैं, उनको एट्रोसिटी का अधिकार नहीं था, एट्रोसिटी का अधिकार भी नरेंद्र मोदी साहब ने दिया। यहां पर माइनॉरिटी एक्ट भी नहीं था, माइनॉरिटी एक्ट का अधिकार भी
मोदी जी ने यहां पर किया है। ये लोग जो हाय तोबा करते हैं ना, उनके मन में है ये मेरे पहाड़ी भाई जितना दब कर रहे उतना अच्छा है, हमारे परिवार की दुकान चलती है। मैं आज के लिए आया हूं, आप लोगों ने भारत की सीमाओं की सुरक्षा करी है, अब वो दिन लग गए कि आपके अधिकारों को कोई दबा पाएगा। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, आपके अधिकारों को कोई नहीं छीन सकता। माताओं भाइयों और बहनों, मैं आज इतना कहना चाहता हूं कि तीन परिवार से मोदी जी ने जमहूरियत को 30,000 लोगों तक पहुंचा है। जमहूरियत का मतलब था पहले अपने चट्टे बट्टे जैसे 87 विधायक, 6 सांसद और 3 परिवार, इसमें 8 लोग शुमार होते थे भाई, जरा जोर से बोलो, होते थे क्या? 2014 के बाद मोदी जी ने माताओं बहनों को भी अधिकार दिया, मेरे ट्राइबल भाइयों बहनों को भी अधिकार दिया, और अब भारी पहाड़ियों की है। एंटी करप्शन ब्यूरो बनाया गया, विशल ब्रोल
एक्ट को यहां लागू कर दिया गया। उमंग के माध्यम से आपके मोबाइल से फरियाद लेने की शुरुआत की गई। सतर्क नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन खोल दिया गया, विजिलेंस की ऑफिस खोल दी गई और इलेक्ट्रॉनिक विजिलेंस क्लियरेंस की सिस्टम भी आ गई। माताओं भाइयों बहनों, पूंछ हो, रजौरी हो, अपना जम्मू हो के घाटी हो, सबसे ज्यादा रोजगारी हमारे जम्मू कश्मीर में अगर कहीं से है तो मुझे बताओ पर्यटन से है या नहीं है। जरा जोर से बोलो, पर्यटन से रोजगारी आती है या नहीं आती है। मैं आज आपको एक आंकड़ा कहने आया हूं। आज तक आजादी के 75 साल में कभी भी इतने पर्यटक जम्मू कश्मीर में नहीं आए हैं। जनवरी 22 से लेकर आज तक 1,62,00,000 पर्यटक हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर आए हैं। 70 साल से हमारी मांग थी कि यहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू हो, नहीं होता था। अब मोदी जी ने श्रीनगर से शारजाह तक सीधी फ्लाइट शुरू कर दी। रात को किसी को जाना है तो जम्मू और श्रीनगर से रात्रि की फ्लाइट नहीं थी। मोदी जी ने जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर में रात्रि की फ्लाइट करने का भी फैसला ले लिया। और ये कहते थे कि धारा 370 हटाओगे तो खून की नदियां बह जाए। मैं आपको हिसाब देने आया हूं। पहले कांग्रेस के समय में 2006 से 2023 में जो आतंकवादी घटनाएं हुई वो 4,766 थी। मित्रों कितनी थी? 4,766 आतंकी घटनाएं हुई थी। और ये जाने के बाद 370 जाने के बाद 2019 से 22 में 4,766 से घटकर सिर्फ 721 रह गई है। मित्रों 721। मोदी जी ने निरंतर दहशतगर्दों के खिलाफ, अलगाववादियों के खिलाफ, ये हुर्रियत वालों के खिलाफ ये कठोर मुहिम चलाई, ये इसका परिणाम है। और मित्रों पहले जो सुरक्षा बलों की मृत्यु होती थी वो 1200 के आसपास होती थी, 1200 से घटकर 137 आकर रह गई है। यही बताता है कि जम्मू कश्मीर सुरक्षित हुआ। पहले मुझे बताओ भाइयों बहनों, आए दिन पथराव के समाचार अखबार में आप पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे? बोलो भाई, जोर से बोलो, सुनाई नहीं पड़ा। पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे? अब पथराव के समाचार आते हैं क्या? आते हैं क्या? मोदी जी ने युवाओं के हाथ से पत्थर लेकर लैपटॉप थमाने का काम किया है, नौकरी देने का काम किया। ये परिवर्तन जम्मू कश्मीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। माताओं भाइयों बहनों, मैं रजौरी आया हूं, मैं आपको कहना चाहता हूं, रजौरी में मेडिकल कॉलेज की आपने कभी कल्पना भी की थी क्या? जरा जोर से बोलो, की थी क्या? रजौरी में मोदी जी ने मेडिकल कॉलेज भेजकर न केवल यहां के बच्चों को डॉक्टर बनने का मौका दिया है, मेरे पहाड़ी भाइयों के लिए मुफ्त में इलाज हो इसकी व्यवस्था यहीं पर कर दी है। आपको किसी को जम्मू जाना नहीं पड़ेगा। इसके साथ साथ कठुआ, डोडा, अनंतनाग, बारामूला और अपना रजौरी, ये सारे मेडिकल कॉलेज बनाए। सिर्फ रजौरी के लिए 139 करोड़ रुपया
मोदी जी ने खर्च करने का काम किया है। रजौरी धन्ना मंडी और सुरनकोट रोड 480 करोड़ रुपया खर्च कर इसको आगे बढ़ाए। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट एजुकेशन प्लान के तहत 21 करोड़ और 28 योजनाएं मोदी जी ने भेजी है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लगभग 3885 किलोमीटर के रोड बनाने का निर्णय किया है। जम्मू पूंछ राजमार्ग को 4 लेन का, अब जम्मू पूंछ राजमार्ग 4 लेन का बनना है और इसके लिए 1337 करोड़ रुपया मोदी जी ने किया है। और मैं एक महत्वपूर्ण आंकड़ा बोलना चाहता हूं, माताएं आप ज्यादा बहने आप ताली बजाकर स्वागत करना, ये अपने पहाड़ी क्षेत्र में 20,000 से ज्यादा घरों में पहली बार बिजली भेजने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बिजली भेजने का 75 साल के बाद यहां की आबादी में रोशनी आई है। पहले रोशनी उनके लिए होती थी, अब रोशनी माताओं के घर में बिजली पहुंचाने के लिए हमने करी है। पूरे जम्मू कश्मीर में 3,80,000 घरों में रोशनी पहुंचाई है। प्रधानमंत्री विकास पैकेज, इसके तहत ढेर सारे काम हमने किए हैं। मित्रों, मैं आज आप सभी को कहने आ रहा हूं कि पूरे जम्मू क्षेत्र के विकास के लिए हमने ढेर सारे कदम जम्मू क्षेत्र के विकास के लिए हमने उठाए हैं। इसकी सूची बहुत लंबी है, बहुत कुछ तो मैं बोल नहीं सकता, मगर कुछ जरूर बताना चाहता हूं। मित्रों, किरू योजना के तहत 624 मेगावाट पन बिजली उत्पन्न होगी। कार एचईपी के तहत 540 मेगावाट, शाहपुर कंडी के तहत 2793 मेगावाट और ऊंच के तहत 90 मेगावाट एम्स जम्मू में लाए, आईआईटी जम्मू में आई है, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM वो भी जम्मू में आया है, भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC वो भी जम्मू में आया है, नीट भी हमारी बच्चियों को नीट भी जम्मू में आया है, मेडिकल कॉलेज बनाए और GMC इंस्टीट्यूशन भी जम्मू में लाए। ढेर सारे विकास के काम मोदी जी यहां किए हैं और ये विकास का काम चलने वाला है। मित्रों, आज मैं एक दूसरी बात भी बताना चाहता हूं। आजादी से लेकर आज तक पूरे जम्मू और कश्मीर में 15,000 करोड़ का औद्योगिक निवेश आया था। कितना आया था जरा बोलिए भाई, बोलना पड़ेगा। 15,000 करोड़ का कितना आया था, जोर से बोले कितना। 2019 से अब तक ये 3 साल में 72 साल में 15,000 करोड़ और ये 3 साल में 56,000 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट मेरे जम्मू और कश्मीर में आया है, क्योंकि मोदी जी ने एक औद्योगिक नीति की घोषणा की। इससे जम्मू और कश्मीर के सभी युवाओं को रोजगारी का तांता लगने वाला है और ढेर सारे सहायता समूह बनाए हैं, 4500 से ज्यादा यूथ क्लब बनाए हैं और कई सारी योजनाएं की हैं। लगभग 2 लाख लोगों को जम्मू और कश्मीर में अपना घर देने का काम किया है, 5 लाख घरों में नल से जल पहुंचाने का काम किया है। पोषण अभियान, मातृवंदना योजना और स्वास्थ्य मिशन, इसको बहुत अच्छे तरीके से हमने आगे लगाया है। माताओं, भाइयों, बहनों, हम लोग में यहां पर हमारे 3 सांसद बैठे, वो हमेशा लगे रहते कि अमित भाई अटका है जरा करा दो, LG साहब अटका है करा दो,
प्रधानमंत्री जी के वहां पर भी जाते हैं और ये सब के कारण इस जम्मू कश्मीर का विकास मोदी जी की प्रायोरिटी है, इसके कारण इतना विकास हुआ है। और मित्रों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, मेरे पहाड़ी भाई आए हैं, गुर्जर बकरवाल आए, मुझे बताओ भाई आप लोगों को अब तक अन्याय हुआ है या नहीं हुआ, जोर से बोलो हुआ है या नहीं हुआ। विकास का काम तो भेज दिया, मगर पहले आपको आरक्षण मिलता था क्या? मिलता था? गुर्जर बकरवाल को भी पहले मिलता था क्या? मोदी जी ने आरक्षण के लिए 370 हटाकर रास्ता खुला कर दिया है। 370 हटने के बाद शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण का रास्ता खुला है। और मित्रों, मैं आप लोगों को कहूंगा, जस्टिस शर्मा का कमीशन बनाया है, जस्टिस शर्मा ने अपनी सिफारिशें भेज दी है और वो सिफारिशों में मेरे पहाड़ी बकरवाल और गुर्जर तीनों को आरक्षण की सिफारिश की। मित्रों, मैं आपको कहने आया हूं, देश के प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा मन है, ये सिफारिशें जो भेजी है उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया समाप्त होते ही गुर्जर बकरवाल और पहाड़ी भाइयों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। भाइयों बहनों, ये आपके जो मोदी मोदी के नारे हैं, आपका जो मोदी जी के प्रति प्यार है, यही मोदी जी को ऊर्जा देता है। और मैं साथ में बताना चाहता हूं, कुछ लोग नहीं चाहते कि इस क्षेत्र के अंदर शांति बनी रहे, उन्होंने गुर्जर और बकरवाल भाइयों को उकसाना शुरू किया कि हमारे पहाड़ी भाई आएंगे तो गुर्जर बकरवाल का कम हो जाएगा। मैं कहता हूं कि पहाड़ी भी आएंगे और गुर्जर बकरवाल का 1% भी कम नहीं होगा। भाइयों बहनों, मोदी जी इस क्षेत्र का सबसे अच्छा विकास करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं पीर पंडाल की पहाड़ियों को सदियों तक आपने सुरक्षित रखा है, आपके पुरखों ने भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपना लहू बहा और आप खुशहाल हो, देश के बाकी हिस्सों की तरह ये रजौरी और पूंछ के मेरे युवा भी रोजगारी से युक्त तो हो, यहां भी उद्यम लगे, यहां भी आरक्षण का फायदा मिले, यहां से भी एमएलए एमपी चुनकर जाए और किस्मत हो तो कोई प्रधानमंत्री भी बन जाए, मुख्यमंत्री भी। माताओं भाइयों बहनों, मोदी जी पूरे जम्मू कश्मीर का संपूर्ण विकास चाहते हैं। मैं आप सबसे विनती करने आया हूं कि तीन परिवारों के शासन से एक बार जम्मू कश्मीर को मुक्ति दिला देना। दिलाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, दिलाओगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? जोर से बोलो, करोगे? तो इतनी डोम धरती धूप के अंदर 1.5 घंटा लेट भी माताएं बहनें भी बैठी हैं, युवा भी दूर दूर तक दिखाई पड़ता है, आप सब लोग बैठे, इसके लिए मैं आपका हाथ जोड़कर धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहता हूं और फिर से अंत में भरोसा दिलाने चाहता हूं, आपके अधिकारों को ये तीन परिवारों ने अब तक आपसे छीना है, ये मोदी सरकार है, आपके अधिकारों को कोई नहीं छीन सकता, इतना वादा करकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।
आप सबके समक्ष रखने के लिए